आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान होता है। लोगों को धर्म पथ पर अग्रसर करने, धर्म, अध्यात्म, वेदांत, आत्म प्रबंधन आदि को जीवित रखने का काम करने वाले गुरु का स्मरण और पूजन होता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान होता है। लोगों को धर्म पथ पर अग्रसर करने, धर्म, अध्यात्म, वेदांत, आत्म प्रबंधन आदि को जीवित रखने का काम करने वाले गुरु का स्मरण पूजन होता है। सी न्यूज़ के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये समय हमारी संस्कृति के बचाव का है और इसके लिए हम सब प्रयास भी कर रहे हैं। हम एक शिक्षक हैं और हर शिक्षक का भी अपना एक गुरु होता है जिसके अंडर में हम सारी चीज़ सीखते हैं, इस योग्य बनते हैं कि हम समाज की सेवा आगे करें। आज के विद्यार्थियों में वो उतनी गुरुत्व भावना में कमी आई है। बच्चे अपना समय निकलने के बाद भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो आगे संपर्क रखते हैं। सर, जो गुरु शब्द है वो अगर भारतीय जो संस्कृति परंपरा है उसमें तो इसका इतना महत्व है कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आपने भी पढ़ा होगा, सभी जानते हैं, संत कवियों ने ईश्वर से भी बड़ा जो है गुरु को बता दिया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं। अब वो जो भारत में शिक्षा प्रणाली थी जिसमें गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा सम्मान था, वो आप जानते हैं एक ब्रिटिश पीरियड से ही खत्म हो गई है। अब वो उसकी झलक कहाँ कहाँ आपको दिखती है, संगीत में दिखती है गुरु शिष्य परंपरा? देखिए, बड़ा अच्छे दिन पर बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। बड़े गर्व की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारा देश सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक संस्कारों का, सर्वकारों का, परंपराओं से पूरी तरह परिपूर्ण है, समृद्ध है। उन्हीं समृद्ध परंपराओं में एक परंपरा है गुरु को सम्मान देने की, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने की, गुरु को आदर देने की। इतिहास गवाह है कि आदिकाल से गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा अवसर है जब हम अपने गुरु को याद करते हैं। सबसे पहले गुरु हमारी लाइफ में हमारी माँ होती है, उसी से हम सब कुछ सीखते हैं, शुरुआत हमारी वहीं से होती है। गुरु माँ के रूप में या माँ को गुरु के रूप में माने या गुरु कैसे भी मान लीजिए, माँ ही सबसे पहली गुरु होती हैं। वो हमें सब कुछ सिखाती हैं। उसके बाद हमें जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमें जो अपने जीवन में करना है उसके लिए जो चीज़ हमें सिखाते हैं हमारे टीचर्स, हम उनको अपने जीवन के लिए आगे करने के लिए श्रेय देते हैं। देखिए, गुरु पूर्णिमा तो बहुत पुराना प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। माना आज के युग में थोड़ा सा कब कहीं हटता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में थोड़ा हटता जा रहा है, लेकिन गुरु परंपरा तो हम लोग तो पुराने शिष्य हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था इस दिन। उन्होंने चारों वेद, 18 पुराण की रचना की और भागवत पुराण तो उनका आज कलयुग से पार करने वाला है ही। कितनी जगह भागवत होती है और लोग क्या क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए गुरुओं को याद करना चाहिए। वो हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे, लेकिन आज हमारे भौतिक गुरु हैं। आज हम जिस मुकाम पर बैठे हैं अपने गुरुओं की वजह से बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का स्रोत होता है और गुरु हमें सही रास्ता दिखाता है। गुरु हमें हमारी शक्तियों से परिचित कराते हैं, भटके हुए प्राणी को नेकी की राह दिखाते हैं, हमेशा शिष्य के कल्याण की कामना करते हैं। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।